नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। विजय बहादुर गोड, जिन्हें लोग बेधड़क के नाम से जानते हैं, वे लंबे समय से संघर्षशील पत्रकारिता कर रहे हैं और अब पत्रकारिता के प्रतिमान रहे विजय बहादुर गोड वर्तमान दौर में पत्रकारों के साथ हो रहे व्यवहार और उनके प्रति संवेदनशीलता को लेकर शंकित नजर आते हैं। उनका कहना है कि सरकारी अधिकारी अब वरिष्ठ पत्रकारों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। उनका कहना है कि अधिस्वीकरण जैसे मामलों को लेकर अगर पत्रकारों को बार बार सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़े तो ये अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद उच्च अधिकारियों तक इस तरह के वाकयात नहीं पहुंचते, लेकिन मैं लगातार सरकारी कार्यालय में चक्कर लगा रहा हूं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। क्या कहा वरिष्ठ पत्रकार ने, सुनिए। आज के जमाने में खबर यानी चैनल पत्रकार इस तरह के हो गए कि केवल पैसे की भाषा बोल रहे हैं, तो ऐसे में पत्रकारों का जीना और लिखना कितना दुखदाई है, इससे मुझसे ज़्यादा कौन पीड़ित समझ पाएगा। 15 साल की उम्र थी जब कागज़ के भाव 18 रुपये रिम हुआ करते थे। उस दौर में हमने अखबार निकाला और चलाया और लंबा संघर्ष अखबार का रहा। 40 साल पुराना पत्रकार हूँ और मेरे अश्रवण का केस सूचना और जनसंपर्क विभाग में करीबन मार्च माह से पड़ा हुआ है, अटका हुआ है और वहाँ के जो अधिकारी हैं उस पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो हालात बन जाए, ऐसे में पत्रकारों का लिखना बोलना और उनकी बात को वहाँ तक जो सत्ता पे बैठे हैं वो पहुँच पाती कि नहीं पाती है, सवाल इस बात का है। हमने उन पत्रकारों को देखा है, केसी सोंधी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे, विश्वास कुमार ऐसे पत्रकार, भवन सुराणा, सत्य पारिक ऐसे पत्रकारों को हमने देखा है जिन्होंने कलम के व्यवस्था को ललकारा और व्यवस्था को बदला। आज वो पत्रकार नहीं रहे। यही वजह है कि जनता की जो पीड़ा है, जनता की जो आवाज़ है, वो सही मायने में हल नहीं हो पाती और मुख्यमंत्री कार्यालय तक जा नहीं पाती। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आज ऐसे चरणों की आवश्यकता है जो सही खबर को सामने लाएँ और उन पत्रकारों का, उन कुचले हुए लोगों का हौसला बढ़ाएँ, जो खबर जाए जनता तक पहुंचे, उसमें आम जनता की पीड़ा अगर नहीं शामिल है तो खबर का कोई महत्व नहीं है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। आज इतना लंबा समय हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, अश्रवण की फाइल को क्यों रोका गया है, क्यों लटकाया गया है, तमाम सुविधाएं समाप्त कर दी गई। ऐसे में मीडिया के दोस्त कहलाते वाले हमारे मुख्यमंत्री जी वो कहाँ सो रहे हैं। कल देखिए आप, मानसून की घटना है, एक पत्रकार के साथ गुंडागर्दी हुई, वो कोई लाहौटी साहब आए थे और उसने कोई कवरेज कर रहा था प्रशांत को।